नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मणिपुर हाईकोर्ट ने हालात संभलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करने का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस गोलमेई गैफुलचिलू की बेंच ने आदेश से विवादित पैरा हटा दिया है। पिछले साल 27 मार्च को इसी निर्देश के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी। मणिपुर में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। मैतेई समुदाय खुद को जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा था। इसके लिए हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी। नगा और कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया और फिर मणिपुर हिंसा की लपटों में घिर गया था। इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। मणिपुर हाईकोर्ट ने पिछले साल एक सुनवाई में ये कहा था कि जो राज्य सरकार है वो ये कंसीडर कर सकती है कि जो मैतेई समुदाय है उसको एसटी स्टेटस देने के लिए सेंटर को रिकमेंडेशन वो अपना भेज सकती है, और इसके लिए ये जो सेंटर को रिप्लाई करना है और इसके लिए एक 4 हफ्ते की अवधि वहाँ पे पिछले साल के ऑर्डर में मणिपुर हाईकोर्ट ने बांध दिया था। और इसके बाद उसको लेके एक जो कुकीज और ट्राइबल समुदाय है इन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। पहले तो पीसफुल प्रदर्शन रहे और इसके बाद धीरे धीरे से एक बिल्डअप होता रहा, जिसके बाद हमने देखा कि मणिपुर में अचानक से मई के 3 तारीख से जो वायलेंस का दौर शुरू हो गया, एथनिक अनरेस्ट का दौर शुरू हो गया और वो कई महीनों तक चला है। अभी भी छिटपुट घटनाएं हो रही है। पिछले हफ्ते ही चुराचांदपुर में फिर से वायलेंस हुआ, तो इस वायलेंस में 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 50,000 से भी ज़्यादा लोग जो डिस्प्लेस हुए थे। और कल का जो ऑर्डर था मणिपुर हाईकोर्ट का, उस ऑर्डर में मणिपुर हाईकोर्ट ने ये जो पैराग्राफ था जहाँ पे कि कहा गया था राज्य सरकार को कि वो ये जो 4 हफ्ते की अवधि के अंदर जो ये कंसिडर करके आगे सेंटर को रेकमेंड कर सकती है मैतेई समुदाय के लिए एसटी स्टेटस, उसको हटा दिया गया है। अमूमन इसका मतलब ये है कि अब मणिपुर हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर में एक करेक्शन किया है पिछले ऑर्डर में, और इसको लेके इसके पहले ऑब्जर्वेशंस भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ महीने पहले एक उत्तर पूर्व में एक इवेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया था कि इस ये जो ऑर्डर है इसको एक गलत तरीके से कुछ लोगों ने समझा है और इसके कारण एक ट्रिगर हुआ था वायलेंस। तो कहीं ना कहीं पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट भी ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर को पिछले साल का जो ऑर्डर था उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल जब राज्य सरकार को कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप कंसीडर कर सकते हैं, इसके बाद भी राज्य सरकार ने रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को नहीं भेजा था मैतेई समुदाय के लिए जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए। मगर अब ये जो करेक्शन हुआ है या फिर ये जो ट्विकिंग हुई है पिछले साल के ऑर्डर पे, इसके तहत हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक स्टेटस को अब मेंटेन फिर से रहेगा और शायद आगे आने वाले दिनों में मणिपुर में शांति बहाली करने के जो प्रयास होंगे इनमें एक बहुत अहम भूमिका ये जो अब ये जो इंटरिम डायरेक्शन दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा या फिर ऑर्डर में जो चेंज किया गया है ये एक अहम भूमिका ले सकता है। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो गर्माता जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि आप नेताओं के पास इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। आतिशी ने दावा किया कि इन संदेश में कहा गया कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो सीबीआई केजरीवाल को नोटिस जारी करेगी और 3-4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि सीट शेयरिंग तकरीबन फाइनल है, सीट शेयरिंग किसी भी समय अनाउंस हो सकती है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास ये मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में
अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा, या सैटरडे को नोटिस आएगा या मंडे को नोटिस आएगा, सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस आएगा, और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर लंबे इंतजार और खींचतान के बाद कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। हालांकि कुछ वक्त पहले तक दिल्ली और पंजाब की कांग्रेस यूनिट लगातार इस गठबंधन का विरोध कर रही थी। एक रिपोर्ट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन टूटते टूटते बचा है और देश भर में सीट शेयरिंग भी तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी लड़ेगी, जबकि चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देगी, जबकि गुजरात की 2 लोकसभा सीटें भरूच और भावनगर आम आदमी पार्टी के खाते में आएंगी। साउथ गोवा लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देगी, यहां आम आदमी पार्टी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, उसका नाम वापस लिया जाएगा। कांग्रेस हरियाणा की 1 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को देगी। पंजाब के लिए पहले ही तय हो चुका है कि दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेंगी। अब सबको पता है कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पे है, काफी दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन जैसे सारे मीडिया के साथियों को भी पता है कि अब जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई है कि हमने अपने सुझाव दिल्ली की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके इस प्रपोजल के साथ साथ दिए हैं, और निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों को राहत देने वाला जो भी कदम उठाया जाएगा कांग्रेस पार्टी उसका जो है समर्थन करेगी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को दोनों पार्टियों में अनबन हो गई थी, लेकिन बाद में पार्टी के बड़े नेताओं ने मामला संभाला। अब गठबंधन परवान चढ़ रहा है, अगले 1-2 दिनों में औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। इस गठबंधन में 2 सीटें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हैं। पहला गुजरात की भरूच सीट, यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समझाने में कामयाब रही और कांग्रेस ने ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। दूसरी है चंडीगढ़ की सीट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब से लगा हुआ ही चंडीगढ़ है। हाल के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और अभी आम आदमी पार्टी का पहली बार वहाँ पर मेयर भी बना है, लेकिन चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अजय जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर मुहर लगने के बाद अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस ने आज समाजवादी पार्टी को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए जनता के ज्वलंत मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। 25 फरवरी को न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी, इसलिए आप भी इसमें शामिल। चंद्रशेखर, आपकी अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है, या पार्टी से राय ले लेंगे क्या करना है। जाएंगे हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है, जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। संदेश खाली यौन उत्पीड़न मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल जारी है। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार संदेश खाली पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वे धरने पर बैठकर टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर रही है और लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी है। पुलिस एकदम पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के खत्म कर रही है। पुलिस देखिए, पुलिस जोर जबरदस्ती कर रही है हमारे साथ। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान संगठन डटे हुए हैं और आज उन्होंने
23 फरवरी यानी कल को देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब में घुसकर हम पर फायरिंग की और ट्रैक्टर भी तोड़े, और जो एक किसान युवक किसान की मौत हुई उस मामले की न्यायिक जांच भी करवाई जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी। जो 26 फरवरी आज हम लोगों ने अपने उस शहीद नौजवान किसान को श्रद्धांजलि भी दी है, वो किसान लहर का शहीद है, और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा, ब्लैक डे आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती काम पर वापस नहीं लौटेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश बिहार से भी कम स्टाइपेंड मिलता है। हॉस्टल के एक कमरे में 5-5 लोग रहते हैं, उनमें भी चूहे घूमते हैं, पानी टपकता रहता है, कई बार उन्हें मरीजों के बिस्तर पर सोना पड़ता है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। महाराष्ट्र के करीब 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं आज से, और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं जे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स किस तरह से हड़ताल अपनी शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर अभिजीत इस वक्त हमारे साथ हैं, सेंट्रल मार्ट के प्रेसिडेंट। अभिजीत, क्या मांगे हैं आपकी और काफ़ी लंबे से आपकी मांगे चल रही हैं? एक्चुअली मांगे काफ़ी समय से है, कोई नई मांगे नहीं है। सबसे पहली मांग तो हॉस्टल की है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे 24 घंटे 40-45 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं, उनको रेस्ट करने के लिए एक हॉस्टल जो कि एनएमसी गाइडलाइन में भी लिखा है वो हॉस्टल हम मांग रहे हैं। दूसरा डिमांड था स्टाइपेंड रेगुलराइजेशन का। जो स्टाइपेंड आता है वो एक फिक्स टाइम पे आना चाहिए, आइडियली तो महीने के दूसरे तीसरे दिन आना चाहिए, बट फिर भी हमने बोला ठीक है, गवर्नमेंट में काफ़ी चीज़ें रहती है तो 10 तारीख तक तो स्टाइपेंड आना चाहिए, बट अपन देखते हैं कि स्टेट में काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस में 2-2, 3-3 महीने भी हो जाते हैं फिर भी स्टाइपेंड आता नहीं है। तो हमारा इतना ही कहना है कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सर, क्या 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 विकल्प आपके सामने अभी जीत रख रही है? सो गवर्नमेंट ने, अजीत पवार सर ने और मुशरिफ सर ने बोला है कि 25th को कैबिनेट है, तो 25th के कैबिनेट में हो जाएगा, फिर से 2 दिन का बोला है। लास्ट टाइम भी उन्होंने 2 दिन का बोल के ये किया था। एक कल मीटिंग भी रखा है सारे मार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स का और गवर्नमेंट का, कल मीटिंग है। तब तक तो स्ट्राइक चलता रहेगा, उसके बाद आगे का डिसीजन वो मीटिंग के बाद हम लोग सब मिलके लेंगे। और बड़ी संख्या में मरीज भी यहाँ आते हैं, तो कुल मिला के नज़रें वहाँ जाती हैं कि उनको क्या तकलीफें हो रही होंगी आपके स्ट्राइक की वजह से। क्या आपकी इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं, और आप बता भी सके कि किस संख्या में मरीज आते हैं तो आपका स्ट्राइक पर जाना कितना मुश्किल होगा? हमारा सबसे पहले तो हम नहीं जाना चाहते स्ट्राइक पर। स्ट्राइक करना लाइक हमको थोड़ा दिल पर पत्थर रख के स्ट्राइक करना पड़ता है, एक लास्ट ऑप्शन की तरह हम लोग देखते हैं स्ट्राइक को। लेकिन गवर्नमेंट हमारे डिमांड्स ना मानते हुए हम लोग को फोर्स कर रहा है स्ट्राइक जाने में, ऐसा हमको लग रहा है अभी। और दूसरा, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है इंक्लूडिंग कैजुअल्टी सर्विसेज, MICU, NICU, सारे ICUs, इमरजेंसी ऑपरेशन सारा चालू रहेगा। बस जो रूटीन प्रोसीजर्स है जैसे OPD और रूटीन ऑपरेशन, वो बंद रहेंगे स्ट्राइक के दौरान, और इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज जबरदस्त बर्फीला तूफान आया। तूफान के चलते रूस के एक नागरिक की मौत हो गई और 6 लोगों को बचा लिया गया है। बचाव और तलाशी अभियान के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया। भारत स्थित रूस के दूतावास ने कहा है कि बर्फीले तूफान की चपेट में 7 रूसी नागरिक आए थे, 6 को बचा लिया गया है। हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं।
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल से बाहर हो गए। वे एंकल की सर्जरी के लिए इंग्लैंड जाएंगे। आईपीएल में मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हैं। एंकल की चोट के चलते शमी जनवरी में लंदन गए थे और इंजेक्शंस लगवाए थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि शमी 3 सप्ताह के बाद गेंदबाजी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन ने उम्मीद के मुताबिक असर नहीं दिखाया, जिसके चलते अब सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए अब शमी आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। उधर क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर का गुलमर्ग की सड़क पर क्रिकेट खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सचिन तेंदुलकर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान वो सड़क पर लोगों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेल रहे लोगों से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मेन बॉलर कौन है। आखिरी गेंद से पहले सचिन ने बॉलर को आउट करने की चुनौती दी। आखिरी बॉल उन्होंने बैट को उल्टा कर खेली, लेकिन गेंदबाज तब भी उन्हें आउट नहीं कर सके। सचिन ये वीडियो उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, स्वर्ग में एक मैच। ये आउट करना पड़ेगा। ये एक 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 एक